अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जी, क्योंकि फाइनली 24 दिन की ड्यूटी के बाद अब मेरी आज से 6 दिन ऑफ लीव शुरू हो गई है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, शुक्र है अल्लाह का, जहन्नम से जान छुटी है कम से कम 6 दिन के लिए। अब आराम से इंशाल्लाह, बस अल्लाह खैर रखे। असल में ये होता है ना, जिधर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे वीकेंड पे ऑफ नहीं है, 24 दिन ड्यूटी करें, 6 दिन आपको लीव मिलती है। तो अभी आज ईद का तीसरा दिन है, असल में दूसरा दिन का मैं व्लॉग नहीं बना सका ईद पे। असल में प्रॉब्लम ये हुई जी कि बस प्रॉब्लम तो नहीं खैर हुई, लेकिन मेरा ना मूड कुछ डाउन हो गया था, मतलब दिल नहीं किया, और ऊपर से मैं इतना कोई गया भी नहीं। मतलब ईद का दूसरा दिन मैंने नौकरी से घर आके बस कहीं भी चक्कर नहीं लगा, घर ही रहा, तो ऐसी कोई फुटेज या ऐसा कोई कंटेंट नहीं था कि मैं व्लॉग बनाता। तो थोड़ी सी फुटेज बनाई थी, लेकिन वो फिर इतनी नहीं थी कि व्लॉग बनता। तो अभी का ये सीन है जी आज के तीसरे दिन का, कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे ना शाम से बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो अभी मैं आया हूँ जी, अभी मेरा प्लान था कि मैं आगे से जाके ना पुलाव लूँ जी, खाना शाना खाऊँ मज़े का, लेकिन अम्मी ने कहा जी हमें भी लेके जाओ, हमने भी जाना है, ईद का तीसरा दिन है। तो अब मैं उनको लेने यहाँ पहुँच चुका हूँ जी। तो अब मैं आपसे थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, वॉशरूम शॉशरूम से हो लूँ, उसके बाद निकलना है, तो फिर आपसे मिलता हूँ। ओके, तो जी मैं फ्रेश हो चुका हूँ और मेरा भूख से बुरी हालत हो चुकी है, अब मैं निकलने लगा हूँ, ले लिया सबको, लेकिन अभी सबसे पहले पेट्रोल डलाना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल के हालात देखें। तो चले मैं निकलता हूँ, फिर मुलाकात होती है आपसे। और ईद का तीसरा दिन है, पता है सबको। गाइस देखे मेरी क्या हालत हो गई है भूख से, और इन लोगों ने मार डाला है मुझे। मतलब अम्मी जी ने ना हमेशा रास्ते में कहीं ना कहीं रुकना होता है, और मुझे इस चीज़ से इतनी नफरत है ना जी, कि जब कहीं बाहर जा रहे हो रास्ते में रुक के जी बंदा सौदा घर का सामान पकड़ना शुरू हो जाए, सारी वाइब सारा मूड सब कुछ ख़राब। और ये जो जगह है ना DHA में, ये जो जगह है डी वॉटसन, इस जगह से मुझे इतनी नफरत है ना, इतनी नफरत है कि सोच है आपकी। तो अभी तक मैं बैठा हूँ जी, ना अभी तक पेट्रोल डला है ना कुछ, और बस इंतज़ार कर रहा हूँ बैठ के। ओके, तो जी आ गए हैं ये लोग, और अब फाइनली निकलने की करते हैं, अल्लाह करे पंप तक पहुँच जाऊँ मैं, लगता तो नहीं है हालात पहुँचने वाले। ओके गाइस, तो शुक्र है अल्लाह का मैं पेट्रोल पंप पे पहुँच चुका हूँ। गाइस तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया हूँ, असल में बहुत बुरा हुआ है आज मेरे साथ। इतने अरमानों से, इतने तैयार होके, इतने दिल से, इतने ज़्यादा अरमान थे, मैं गया जी कि आज पुलाव खाऊंगा मज़े मज़े से। पूरी शाम से मैं ड्यूटी पे वेट कर रहा था कि पुलाव खाऊंगा, ना दिल कर रहा है पुलाव खाने का। और मैंने कहा फिर साथ मेरा फेवरेट एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से मैं फ्राइज़ ले लूँगा। तो सीन ये हुआ जी कि जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो फ्राइज़ वाला रेस्टोरेंट तो खुला हुआ था। अब मुझे लगा जी कि आज ईद का तीसरा दिन है, मतलब ईद के दिन चल रहे हैं, पहले मुझे लगा कि शायद ना खुला हो पुलाव वाला होटल, लेकिन मैंने कहा आज तो ईद का तीसरा दिन है, आज तो खुला ही होगा। पेट्रोल अलग जाया गया मेरा, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा है, और उसके बाद से पुलाव भी नहीं मिला जी, दिल ही टूट गया जिसे कहते हैं, मूड ही ख़राब हो गया। तो अभी मैं देखता हूँ, अभी फ्राइज़ बना रहा हूँ घर में, मतलब चूल्हे पे रखे हैं, और बाकी देखते हैं और क्या बनता है। यही चॉइस है मेरे पास, और तो कुछ इस वक्त और नहीं हो सकता, चावल तो नहीं मिलेंगे। अब रात के 12:15 बज रहे हैं जी, मेरा तो ईद का तीसरा दिन पूरा तबाह हो गया जिसे कहते हैं। खाने के बगैर आपको पता है जी लाइफ में क्या खाने के बगैर। तो ये बन गए जी बहुत मज़े के, बाकी दूसरा फ्राइज़ बन रहे हैं, और तो कोई चॉइस है नहीं जी, दिल टूट चुका है बुरी तरह से। बस बाकी काफ्ता कबाब भी बनेंगे अभी, बस यही कुछ है अभी। तो पहले तो जी गुस्सा मुझे बहुत चढ़ा इस चीज़ पे, जब रेस्टोरेंट बंद देखा मैंने,
ओफ, उसके बाद मुझे इतनी रोड रेज हो गई थी ना सही किस्म की, कि मैं तो इवन रोड पे ड्राइवर्स को ना गाड़ी में बैठे बैठे गालियां दे रहा था। मैं बिल्कुल आउट हो गया था मैं, क्योंकि मैं ना असल में बहुत हैंगरी बंदा हूँ। मतलब जब तक अगर मैंने खाना ना ना खाया हो, या खाने के मामले में कोई भी चीज़ है, तो खाने के मामले मेरे से कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मेरा दिमाग बिल्कुल घूम जाता है, मैं पागल हो जाता हूँ। अब आके कुछ एसी चलाया है, तो अब मैं थोड़ा ठंडा हुआ हूँ, तो बस अब खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, तो जी फाइनली खाना आ चुका है। मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है, पूरे दिन से मैंने दोपहर के बाद का खाना नहीं खाया, तो अब मैं टूट पड़ने लगा। बस फिर खाने के बाद मिलते हैं आपसे। गाइस, तो अब सीन ये है कि खाना शाना मैंने खा लिया है, और रात बहुत हो चुकी है, 3 बज गए रात के। आज का व्लॉग बहुत डिफरेंट होता अगर वो रेस्टोरेंट बंद ना होता, लेकिन अब रेस्टोरेंट ही बंद हो गया। आज कोई कंटेंट भी खास नहीं है, मतलब आज कोई भी फुटेज नहीं है, कुछ भी नहीं और हो सका, और कुछ है ही नहीं। तो आज का व्लॉग इतना ही था, और कुछ भी नहीं है पास डालने के लिए। तो उम्मीद है फिर भी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, इसमें मेरा क्या कसूर, मैंने तो पूरी कोशिश की थी। तो ऐसे ही गुजरा फिर आज मेरा ईद का तीसरा दिन। तो अभी खाना खाने के बाद मैं फिर व्लॉग्स वगैरह देखता रहा कुछ। तो बाकी अब ये सीन है कि अभी आज छुट्टी की पहली रात है, तो अभी मैं कुछ चीज़ें वगैरह डाउनलोड कर रहा हूँ, तो इसके बाद फिर मैं सो जाऊँगा। तो एनीवेज, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी करें। कमेंट करें आपको और किस तरह की वीडियोस देखनी है, बेल आइकन दबा के लाइक करें चैनल को। अच्छा, और दूसरा ये है कि तो यही था जी, तो आप आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।